दिस प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वॉचिंग मी माय यूट्यूब चैनल. आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं वर्क रिक्वायर्ड फॉर सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बट विद कंसीडरिंग क्लियरेंस. तो हमने पिछले एपिसोड्स देखा, उसमें हमने यही सेम चीज ढूंढी है लेकिन विदाउट क्लियरेंस. ठीक है, तो अब सेम वर्क डन ढूंढेंगे बट विद कंसीडरिंग क्लियरेंस. तो सबसे पहले क्लियरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. तो जैसे हम जानते थे कि भाई ये अपना पिस्टन है, दिस इज लाइक ये अपना सिलेंड्रिकल वॉल है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन अप एंड डाउन फ्रॉम टॉप डेड टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम डेड टू टॉप डेड, दिस इज हाउ इट वर्किंग, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है. ठीक है, उसके साथ कनेक्टिंग रोड होता है, क्रैंक होता है, क्रैंक कनेक्टिंग हब से कनेक्ट होता है. सो यहाँ पे क्रैंक की जो मोशन होती है उसको पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, डन. फिर ये आपका सक्शन वाल ले लो, ये डिस्चार्ज वाल ले लो. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दो वाल लगे होते हैं, ये बोर का डायामीटर है, बोर का डायामीटर. सो सिलेंडर का जो डायामीटर होता है उसको बोर डायामीटर डी बोलते हैं. सो दिस इज द सिलेंड्रिकल डायामीटर जिसको हम बोलते हैं बोर डी. फिर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ एल, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक पिस्टन जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ एल. ठीक है, सो इतनी चीज हमें याद रखनी है. अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि सर सिलेंडर तो यहां तक का है, सो हमने इतनी जगह क्यों छोड़ दी है, टॉप डेड सेंटर यहां से क्यों शुरू होता है, ऊपर से हम नहीं ले सकते एक्सट्रीम अपर मोस्ट पोर्शन से? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंजीनियर जानबूझ के यहां पे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ देते हैं? अगर मैं पिस्टन को अभी और जाने के लिए ऊपर अलाउ करूं तो हो सकता है कि ये सक्शन वाल और डिस्चार्ज वाल दोनों डैमेज हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी के इसलिए उसकी जगह छोड़ी जाती है. और लास्ट में जब गैस होते हैं उसका थर्मल एक्सपेंशन करवाने के लिए भी इसको छोड़ा जाता है, क्योंकि जब आप कंप्रेस करोगे तो गैस का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है, देन इट्स वेरी नेसेसरी कि हम थोड़ी लेफ्ट जगह छोड़ दे ताकि गैस का थर्मल एक्सपेंशन हो पाए. दैट्स व्हाई और मशीन टॉलरेंस की वजह से भी यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ी जाती है. तो आप देख रहे हो कि अब जो हमारा जो गैस होगी वो इतना ही वॉल्यूम कवर करेगी, यानी टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर तक, तो जिसको मैं बोलूंगा स्वेप्ट वॉल्यूम. क्या बोलूंगा? स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी इतना वॉल्यूम के अंदर ही अपना एयर है वो मैक्स टू मैक्स फील हो सकती है. पहले हम विदाउट कंसीडर विदाउट क्लियरेंस लेते तो हमें इतना तक हमारा एयर फील हो सकता था, बट अब हमारा जो स्वेप्ट वॉल्यूम है दैट इज ओनली दिस टू दिस, एक इतना पार्ट हमें छोड़ देना है. ठीक है, सो हमें इतना क्लियर जो इतना वॉल्यूम हमने छोड़ दिया उसको बोलते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम फॉर स्पेसिफिक पर्पस. अब क्लियरेंस रेशियो जिसको के बोला जाता है, कई कई रेफरेंस बुक के अंदर उसको सी भी बोला जाता है, सो दैट डजंट मैटर. क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस रेशियो का फॉर्मूला होता है क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम. सो क्लियरेंस वॉल्यूम यानी इतना वॉल्यूम जो छोड़ दिया है वो, सो दिस इज ए क्लियरेंस वॉल्यूम है, और बाकी का जो बचा वो अपना क्या हो जाएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम. तो यानी मैं टोटल वॉल्यूम बोलूं तो क्या होगा? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम. समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस रेशियो, विच इज क्लियरेंस वॉल्यूम टू दी स्वेप्ट वॉल्यूम. तो अब अपनी मेन थियरी में आते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी होता था. तो ये पीवी डायग्राम है. ठीक है, अब अपना ओल्ड पीवी डायग्राम भी आपको समझा देते हैं. तो ओल्ड पीवी डायग्राम कैसा था, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है. तो आप देखो, मैं विदाउट क्लियरेंस यानी मैं क्लियरेंस को कंसिडर नहीं करता था, तो मेरा पीवी डायग्राम कुछ ऐसा होता था, यानी सक्शन स्ट्रोक यहां से लगता था और इसको मैं बोलता था 4:1. तो देखो, हम पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या करते थे? कवर करते. लेकिन अभी देखो, जब हमारा पूरा का पूरा वॉल्यूम हमारे पास नहीं होगा, हम थोड़ी वॉल्यूम तो छोड़ रहे हैं, हमने थोड़ा वॉल्यूम तो छोड़ दिया, तो उस वॉल्यूम से तो साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी. सो ये इतना वॉल्यूम तो हमने छोड़ दिया जिसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं. तो ये 4 अब यहां तक टच नहीं होगा, ये कहां तक टच होगा? तो ये अपना मैक्सिमम, क्योंकि इतना तो मैंने छोड़ दिया है, दैट इज आर लेफ्ट फॉर पर्पस के भाई इतना क्लियरेंस वॉल्यूम है. तो अभी आपका 4 आ सकता है, तो भी उसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा? यहां पे होगा. पर आप देखोगे सर यहां पे तो 4 नहीं है, 4 यहां पे क्यों है मैं आपको बता देता हूं. तो ये पहले क्या होगा, आप देखो, अभी इसको मैं नहीं, अभी मैं जानबूझ के इसको छोड़ देता हूं. अभी इतना समझो ये सक्शन है, क्या हुआ? 4:1 कांस्टेंट प्रेशर सक्शन हुआ. तो इसको मैं यहां पे ले रहा हूं, फिर क्या होगा? कंप्रेशन. सो ये क्या होगा? 1:2:2 क्या होगा? कंप्रेशन. फिर क्या होगा? डिस्चार्ज लगेगा. तो डिस्चार्ज होगा तो यहां तक आएगा. सो ये डिस्चार्ज हो गया, यहां तक डिस्चार्ज होगा पूरा पूरा. अब ये जो गैस है, अब देखो, ये मैंने बताया था कि ये आपका पिस्टन था, हमने यहाँ पे अपना वाल लगाए हुए थे, हमने यहाँ पे दो, सो इतना हम वॉल्यूम छोड़ रहे थे जिसको हम बोलते थे क्लियरेंस वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गैस बचा रहेगा, यहाँ पे फंस जाता है. ठीक है, इतना हम क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ते हैं, वहां पे हम गैस बच जाता है. तो होगा क्या,
कि जैसे ही हम, अब क्या होगा कि गैस पूरा का पूरा बाहर नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गैस बच जाएगा। सो डिस्चार्ज वाल्व में जो डिस्चार्ज प्रोसेस होगी, तब सारे के सारे गैस निकल नहीं जाएंगे, बट देयर विल बी अ सम अमाउंट ऑफ गैस लेफ्ट बिहाइंड इन दिस क्लियरेंस वॉल्यूम, यहाँ पे बच जाएंगे। अब यहाँ पे बच जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि ये गैस है वो पिस्टन के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो क्या होगा? पिस्टन को एक्सपांड करवाएंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, पिस्टन काम कर रहा था गैस के ऊपर, पर अब उल्टा होगा, अब गैस काम करेगा पिस्टन के ऊपर, ठीक है। तो हमें वर्क मिलेगा, अब तक हम वर्क दे रहे थे, लेकिन अब क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो ये जो गैस बाकी के बच गए, अब जैसे ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, यानी ये गैस, ये जो गैस है वो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, गैस का एक्सपांशन होगा। तो अब क्या होगा, एक्सपांशन, तो ये एक्सपांशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपांशन होगा, तो प्रेशर भी रिड्यूस होगा, ठीक है, और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसलिए देखो ये कर्व इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये फोर पॉइंट यहां पे आना चाहिए था, उसकी वजह पे कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। समझ में आ गया? अगर वो एक्सपांशन नहीं होता, क्लियरेंस वॉल्यूम के सारे गैस अगर डिस्चार्ज प्रोसेस में बाहर चले जाते, तो ये आपका थर्ड वाली लाइन है, ये जो सारी की सारी बाहर चली जाती, तो आपका फोर्थ पॉइंट कहां से आता, तो आपका फोर्थ पॉइंट ये हो जाता, और ये ओपन साइकिल हो जाती, और ये ओपन साइकिल हो जाती। अभी ओपन साइकिल नहीं रही, क्योंकि कुछ का जो अमाउंट ऑफ गैस है वो क्लियरेंस वॉल्यूम में बच जाता है, और वो फिर वो क्या करवाता है, वो फिर एक्सपांशन करवाता है। तो अभी देखो आपकी क्लोज साइकिल हो गई। सो दिस इज हाउ दी सिंगल कंप्रेसर, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का पीवी डायग्राम होता है। अभी ये कैसी साइकिल हो गई, क्लोज साइकिल हो गई, ठीक है। तो होना कितना चाहिए था, ये फोर्थ पॉइंट यहां पे होना चाहिए था। अगर ये फोर्थ पॉइंट यहां तक होता, तो इसको हम बोलते हैं कि हाँ, हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम कितना था, हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम इतना था एक्चुअली, से वन से लेके फोर तक, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये वी वन, और ये अगर ये होता तो ये कितना था, वी फोर। तो अगर ये पूरा यहां तक आता, तो स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा कितना होता, तो स्वेप्ट वॉल्यूम होता वी वन माइनस वी फोर। अभी इसको भूल जाओ कि यहां पर नहीं आता, यहां पर आता, तो पर हकीकत में हमें आ कहां रहा, अब इसको भूल जाओ, आ कहां रहा एक्चुअल में, यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम है वो इतना है, That is our effective swept volume. This is, इसको मैं अगर point देना है, जिसको आप नाम दे सकते हो, इसको मैंने यहाँ पे नाम दे सकता हूँ, इसको 3 point. तो अगर actual swept volume होता, तो V1 minus V3 होता, ठीक है। ये पूरा अगर इतना clearance volume में सारे केस चले जाते, तो ये अपना V1 minus V3 होता, पर actually जो हमें effective swept volume मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, V1 minus V4. So your effective swept volume is V1 minus V4. समझ में आ रहा है? So, मैंने यहाँ पे वही समझा रहा। अभी यहाँ पे आ जाते हैं मेन चीज पे। तो मैंने वही बताया कि एक्सपांशन होगा, गैस कुछ बच जाएंगे, तो ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। इतनी जगह तो हमने छोड़ के रखी थी क्लियरेंस वॉल्यूम, तो इतना मैक्सिमम हो सकता है। सो इतना मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पास हो सकता है। सो इसको मैंने स्वेप्ट वॉल्यूम बोल के रखा है, दैट इज 1 point, दैट इज 3 point, यानी V1 माइनस V3 इतना एक्चुअल हो सकता था। अगर एक्सपांशन ना होता, तो सारे के सारे गैस चल निकल जाते डिस्चार्ज प्रोसेस में, तो इतना एक्चुअल स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पास रहता था, V1 माइनस V3। लेकिन ये एक्सपांशन होने की वजह से ये अपना जो पॉइंट यहां पे आना चाहिए था, इसकी जगह पे कहां पे आ गया, यहां पे। सो हमारा इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, V1, ये पूरा V1, इतना V4, तो बचेगा क्या, V1 माइनस V4। तो हमें इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम कितना मिलता है, V1 माइनस V4 ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ सम गैसेस व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड इन द क्लियरेंस वॉल्यूम। बाकी का आपको पता है, ठीक है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो इतना ही समझना था आपका। तो जो आपने देखा था कि विदाउट क्लियरेंस अगर मैं लेता हूं, तो वो ओपन साइकिल होती है, कि फिर से वही गैस रिपीट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वही गैस, थोड़ा प्रेशर तो आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा जो गैस बचा है वो भी रिपीट हो जाएगा ना नेक्स्ट प्रोसेस में, इसलिए देखो ये क्लोज साइकिल हो रही थी। और आपने विदाउट क्लियरेंस देखा था ना, वहां पर मैंने आपको समझाया था कि वो क्या होता था, वो इट इज ओपन साइकिल, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। अब यहां पे लिखा है मैं फ्री एयर डिलीवरी, यानी जितना एक्चुअल वॉल्यूम एयर का सक्शन होगा, तो इतना एक्चुअल वॉल्यूम एयर सक हो रहा है सिलेंडर के अंदर, तो उसको इफेक्टिव स्वेट वॉल्यूम भी बोलते हैं, उसका और दूसरा नाम फ्री एयर डिलीवरी भी होता है। तो फ्री एयर डिलीवरी इज नथिंग बट द इफेक्टिव स्वेट वॉल्यूम, और ये उसको सक्शन वॉल्यूम भी बोला जाता है। तो यहां पे पूरे पूरी चीज वो समझा दी है, ठीक है। अब हम वर्क डन का इक्वेशन लिखेंगे। देखो अब वर्क डन का इक्वेशन लिखेंगे, तो हमें पता है ये कंप्रेशन वाला वर्क है, वो हम करते हैं, हमें करवाना पड़ता है किसके, सो हम पिस्टन को वर्क देते हैं, और पिस्टन किसके ऊपर काम करता है, गैस के ऊपर। सो हम वर्क करवाते हैं, हम वर्क सप्लाइड करते हैं। सो कंप्रेशन वर्क हमें पता है, अगर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया क्या होता है वर्क डन का इक्वेशन, N/(n-1) P1V1 (P2)/, यहां पे क्या जाएगा, P2/P1 (n-1)/(n-1)। सो ये हम जानते हैं।
अब देखो यहां पे मैंने माइनस करवाया है, क्यों माइनस करवा रहा हूं, क्योंकि ये एक्सपेंशन वाली प्रोसेस है, वहां पे हम पिस्टन पे काम नहीं करवाते, क्योंकि पिस्टन के ऊपर हमें वर्क मिल रहा है, गैस है वो पिस्टन को पुश कर रहा है नीचे की तरफ, सो हमें वर्क मिल रहा है, वी आर नॉट गिविंग एनी वर्क, बट द गैस इज गिविंग अस वर्क बाय एक्सपांडिंग द एक्सपांडिंग, सो पिस्टन कहां आ जाएगा, नीचे आएगा, तो गैस किसके ऊपर काम करेगा, पिस्टन के ऊपर, तो हमें वर्क मिलेगा, दैट्स व्हाई इतना हम दे रहे हैं और इतना वर्क मिल रहा है, तो टोटल हम कितना वर्क करना पड़ रहा है, सो दिस माइनस एक्सपेंशन वाला वर्क को क्या करना पड़ेगा, सब्स्ट्रेक्ट। अब देखो इसको सेम इसी तरीके से हम एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, n अपॉन n माइनस 1 p4 v4 p3 अपॉन p4 रेस टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये कैसे आया, तो ये वर्क आप डिराइव कर सकते हो इस तरीके से, जो मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अब एक्सपेंशन वाली प्रोसेस आपको समझनी है तो आपको इस तरीके से लेना होगा, 2 2 3 3 2 4 एक्सपेंशन ले लो और 4 2 1 इस तरीके से ले लो, तो इस तरीके का प्रोसेस अब मैंने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला मैंने एपिसोड सिखाया था उसमें मैंने आपको समझाया था किस तरीके से पूरा डिराइव कर सकते हैं, सो आप उसको डिराइव करके इक्वेशन ला सकते हैं, किताब के अंदर लास्ट डायरेक्टली लिख देते तो आप भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने आपने दो वीडियो पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले देखे, तो मैं ये जो समझाना चाहता हूं आप समझ गए होंगे कि इसका इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर, सो एक्सपेंशन का होगा, ठीक है। अब हमें पता है ये P4 to P1 ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यहां पे प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट, यहां पे प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट, सो सक्शन भी कांस्टेंट प्रेशर, डिस्चार्ज भी कांस्टेंट प्रेशर, सो यहां पे 1 और 4 दोनों का प्रेशर कैसा रहता है, सेम, सो कैन आई से P4 इज इक्वल टू P1 और यहां पे क्या होगा P2 इज इक्वल टू P3, सो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना, P4 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, P1, सो यहां पे P4 है, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे P1, ठीक है, और P3 की जगह पे क्या लिख सकता हूं P2, तो यहां पे P3 की जगह पे क्या लिख दूंगा P2, P4 की जगह पे क्या लिख सकता हूं P1, तो यहां पे क्या लिखूंगा P1, अब ध्यान से देखो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, n n-1 p1 n n-1 p1 निकाला कॉमन, बाकी बचेगा क्या अंदर v1 minus v4, ये बच जाएगा इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, और ब्रैकेट में ये दोनों चीज भी कॉमन निकलेगी, क्या है p2 upon p1 रेस टू n-1 upon n-1, सो ये आपका वर्क का इक्वेशन मिल गया, सो दिस इज अमाउंट, दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू गिव टू द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर टू गेट द आउटपुट, ठीक है, सो इसका यूनिट होता है जूल पर साइकिल। अब कोई आपको बोले कि पावर निकालो भाई, तो पावर कैसे निकालेंगे, सो यहां पर जो भी वर्क डन मिला है वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय विथ एन, एन यानी जो भी आरपीएम दिए गए होंगे उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और जो भी हमें चाहिए पावर किसमें होता है किलोवाट में, सो एन आरपीएम है, सो आरपीएम है तो हमें अगर किलोवाट में चाहिए तो जूल पर सेकंड यानी किलो जूल पर सेकंड होना चाहिए, सो कोई भी चीज अगर मिनट में तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, सो ये मान लो कि 300 आरपीएम है, सो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 60, सो एन बाय 60 करके रखना है ताकि वो सेकंड में चला जाए, और ये जो आंसर मिलेगा वर्क डन मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 60 वो किसमें होगा जूल पर सेकंड में, पर मुझे किसमें चाहिए किलो जूल, सो डिवाइडेड बाय व्हाट 1000, ठीक है, अगर सिंगल एक्टिंग हो तो ये इक्वेशन आएगा, बोलते हैं डबल एक्टिंग है तो ये जो इक्वेशन है उसके आगे कितना मल्टीप्लाई कर दो 2 मल्टीप्लाई कर दो आपको पावर का इक्वेशन मिल जाएगा। अब दूसरी एक चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वो होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज नथिंग बट द इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, तो देखो इफेक्टिव कितना था v1 minus v4, और अगर जो ग्रेस थे जो क्लियरेंस में अगर नहीं फंसे होते पूरे के पूरे निकल जाते तो एक्चुअल स्वेप्ट वॉल्यूम कितना होगा, तो एक्चुअल होता है v1 minus v3, पर हमें कितना मिल रहा है इन एक्चुअल हमें कितना मिल रहा है v1 minus v4, तो इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, थियोरेटिकली कितना होना चाहिए था अगर क्लियरेंस में गैस निकल जाता तो v1 minus v3, सो व्हाट वी आर गेटिंग इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम व्हिच इज v1 minus v4 अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम कितना होगा v1 minus v3, तो इसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है, कैसे करेंगे, चलो अब ये v1 minus v4 है मैं उसको इस तरीके से लिख रहा हूं v1 minus v4 इज इक्वल टू v1 minus v3 प्लस v3 minus v4, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, देखो v3 कैंसिल होगा फिर से ये टर्म आ जाएगा, सो v1 minus v4 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं v1 minus v3 प्लस v3 minus v4, देखो ये ऊपर वाला टर्म इसको इसलिए गया v1 minus v3 प्लस v3 minus v4, नीचे वाला टर्म कैसा रखा एज इट इज, अब देखो अब एक बार इसको पहले इसे नीचे से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो, सो v1 minus v3 upon v1 minus v3 क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब एक बार v3 को डिवाइड करो v1 minus v3 से, सो क्या होगा प्लस v3 upon v1 minus v3, अब माइनस करके क्योंकि यहां पे माइनस साइन है तो अब माइनस v4 को डिवाइड करो v1 minus v3 से, सो माइनस v4 upon v1 minus v3, तो इतना ही आएगा,
इतना ही आएगा, ठीक है, इसका सिंपलीफिकेशन इतना ही आएगा, पर मुझे अब सेटिंग करना है। तो सेटिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडिशनली एक टर्म ऐड करूंगा, होगा V3। सो यहाँ पे ऐड करूंगा तो मुझे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये मैं एडिशनली यहाँ पे पुट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय V3 डिवाइड बाय V3, ठीक है, सेटिंग करने के लिए। अब देखो, वन प्लस ये क्या है, V3 अपॉन V1 माइनस V3, तो एक इस तरीके से आया। तो देखो क्लियरेंस रेशियो क्या बोलता, तो ये क्लियरेंस रेशियो का इक्वेशन क्या था, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम हमने कितना छोड़ा, इतना छोड़ा है, तो इतना यानी ये क्या है, थर्ड पॉइंट है, तो इसके नीचे क्या लिख सकता हूं, V3 लिख सकता हूं। सो इतना कितना है, V3 यानी क्लियरेंस वॉल्यूम इक्वल टू कितना है, V3 जितना है। सो क्लियरेंस वॉल्यूम की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, V3 अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम कितना था, V1, और ये कितना था, 3, तो V1 माइनस V3। तो देखो ये क्लियरेंस वॉल्यूम है V3, और ये क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। सो क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो K, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। सो सेम चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, K। अब देखो फिर से ये V3 है और ये V1 माइनस V3 है, ये V3 और V1 माइनस, उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, K, और बाकी का क्या बच जाएगा, V4 अपॉन V3 क्या आ जाएगा, साइड में, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है पूरी की पूरी। सो PV रेस टू एन इक्वल टू C है, तो कहना है राइट, P3 V3 रेस टू एन इक्वल टू P4 V4 रेस टू एन, ऐसा लिख सकता हूं। सो देयरफॉर कहना है राइट, V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3 अपॉन P4 रेस टू 1 बाय n हो जाएगा, ठीक है। पर मैं जानता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए, P3 एक कांस्टेंट प्रोसेस है, 2 2 3 तो क्या होगा, P3 बराबर क्या हो जाएगा, P2, और 1 2 4 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, सो P4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1। सो अगर P3 है वहां पे P2 लिख सकता हूं, P4 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, P1। सो P3 की जगह पे P2 और P4 की जगह पे क्या आ गया, P1। सो कैन आई राइट, V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, P2 अपॉन P1 रेस टू 1 बाय n। सो बस, तो ये तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या होगा, 1 एज इट इज, K एज इट इज, माइनस K एज इट इज, और V4 अपॉन V3 की जगह पे क्या लिखूंगा, P2 अपॉन P1 रेस टू 1 बाय, ये तो ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का इक्वेशन हुआ जो आपको एग्जांपल के अंदर काम आएगा। तो आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।